जल्दी से जल्दी संगीत कैसे सीखें? बहुत कम वक्त है मेरे पास, जल्दी से सिखा दो मुझे। कितना जल्दी सीखा जा सकता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? 4 गाने ही तो निकालने हैं, कितना टाइम लग सकता है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने जब से मैंने मदद करना, सिखाना शुरू किया है, तब से इन सवालों ने मुझे परेशान किया है। हर एक विद्यार्थी का ये सवाल तो होता ही है कि जल्दी से जल्दी संगीत कितना जल्दी सीखा जा सकता है, मुझे वो बता दो। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ी छोटी सी चर्चा, थोड़े मेरे विचार कि कितना जल्दी सीखा जा सकता है और क्या वाकई जल्दी कोई उपाय है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि जल्दी से जल्दी संगीत कितना टाइम में आप सीख सकते हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। बरसात न होगी, बिन बारिश बरसात न होगी, रात गई अब रात न होगी, बिन बारिश बरसात न होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पर चर्चा कि जल्दी से जल्दी कितना टाइम में आप संगीत सीख सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। दूध उबाला है आपने कभी, या पानी गर्म किया होगा किचन में? एक छोटा सा किचन का एग्जांपल आपको देता हूं कि दूध उबाला होगा आपने या तो पानी गर्म किया ही होगा, उसको गर्म होने में कितना वक्त लगता है? अगर आप अपने तपीले में अपना जो जितना भी क्वांटिटी में आपने दूध या पानी डाला है वो आपने गैस पर चढ़ाया, उसको गर्म होने में कितना वक्त लगेगा आपके अंदाजन? 5 मिनट, 3, 4, 5 मिनट तो लगेंगे ही, लेकिन आप चाहें तो उसको 1 मिनट में भी गर्म कर सकते हैं, गैस की आंच आप अगर बढ़ा दें तो। लेकिन उससे होगा क्या? कहते हैं कि कुछ चीजों की तासीर होती है, उनका एक अपना नेचर होता है कि वो उतना वक्त लेती ही लेती हैं। करने में आपको मैंने अलंकार सिखाना शुरू किया, स्वरांगिनी आप जानते हैं हमारी जो किताब है उसमें 10 पेज के अलंकार हैं। एक पेज का अलंकार आपने आज के आज भी निपटा सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर थोड़ी बहुत समझ है, सेंस है और पैटर्न आप समझ रहे हैं, अलंकार क्या है, पैटर्न ही तो है, करने में क्या, लो निपटा गए, हो गए। क्या उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अलंकार हो गए हैं आपके, या फिर उनमें और अभ्यास अभी चाहिए? क्या सिर्फ हाथ में वो एक बार बजा देने से क्या उसका मतलब ये हो गया कि वो अलंकार आपने कर लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध 1 मिनट में भी उबाला जा सकता है गैस की अगर आंच एक बार में आप बढ़ा दो तो, लेकिन उसको उबलना नहीं कहेंगे, उसमें जो तत्व, जो गर्म होने के तत्व होते हैं वो हुए ही नहीं पूरे। जब धीमी आंच पे वो धीरे 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 सिकता है, उसके बाद जो वो दूध उबला हुआ होता है तब जाके वो पौष्टिक बनता है ना, न कि आपने 1 मिनट में उसे उबाल दिया, जल्दी से तुरंत उबाल दिया। तो करने में वो भी किया जा सकता है अलंकार, अगर आपको मैंने सिखाए 1 पेज के तो वो आप आज के आज भी निपटा सकते हो। और आप बोलोगे ये हो तो गए, लाओ भाई अगला पेज लाओ, हम अगला भी दे देंगे, वो भी आप बोलोगे लाओ हो गया अगला लाओ, पर उसका फायदा नहीं होगा। एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। एक फाइटर हैं ब्रूस ली, मुझे नहीं मालूम ये उन्हीं का कोट है या उनके नाम से प्रसिद्ध है, पर बड़ा ही अच्छा कोट है, क्या मानी रखता है किसने कहा है, मतलब तो ये है ना, बात अच्छी है कि नहीं। तो बात ये है कि मुझे उन 10,000 मूव्स से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, 10,000 मुझे उन 10,000 मूव्स से, यानी वो टेक्निक्स और उनसे मुझे खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। यानी एक कोई ऐसी छोटी सी चीज जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है तो सोचो उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी, और वो एक 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 करके 10,000 चीजें जो तुमने सिर्फ एक 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 बार करी है उनमें क्या स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो वही वाली बात यहां भी अप्लाई होती है, वही एक पेज का अलंकार, करने को आपने एक बार कर दिया
तब भी वो उतना ही आया, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसको अगर आप 100 बार बजाओगे तो वो कितना मजबूत हो सकता है। फर्क कुछ आपको नजर नहीं आएगा, आप बोलोगे यार वैसा ही तो बज रहा है, पहले भी ऐसा ही बज रहा था, अब भी ऐसा ही बज रहा है, लेकिन उसमें जो बारीक फर्क जो चेंज हो गया होगा और बढ़ गया होगा, जो इजाफा हुआ होगा, वो सिर्फ एक तजर्बेकार आंख और तजर्बेकार कान ही पहचान सकेंगे कि हाँ फर्क है। रियाज करने को क्या कहते हैं, हम डेली करते हैं, है ना, डेली सवेरे उठते हैं, डेली सा लगाते हैं, वही सा है जो हमने आज से 4 महीने पहले भी लगाया था और 4 महीने का रेगुलर रियाज है और आज भी लगा रहे हैं, हमें लग रहा सा तो वही है, सुर तो वही मैच कर रहा है, लेकिन एक तजर्बेकार कान पहचान के बोल सकता है कि हाँ तुमने रियाज किया है, ये तुम्हारा रियाज लग रहा है, जो 4 महीने में जो सा लगाया है उसमें जो पंच आया है वो धीरे धीरे इजाफा होता है ना, जो खूबसूरती है इसकी, जो इसका जो वजन है, जो इसमें पॉलिशिंग है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे होती है। इसीलिए कहते हैं कि एक चीज़ को 100 बार बजाओ, एक अलंकार को 100 बार बजाओ, है ना, ये पन्ना हो गया, एक पेज के अलंकार दे दिए, 8 अलंकार हैं, तो इनको बार बार घिसो, लगातार करते रहो। आप कहोगे एक बार में तो हो गया, फिर बार बार क्या है इसको बजाना, क्यों बजाना है ना, फजूल है, ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पर वो वक्त ज़ाया नहीं हो रहा है, इजाफा हो रहा है आप में, बढ़त हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तो कितने टाइम में भी सीखा जा सकता है, एक गाना आपको मुझे सिखाना है अभी बिठा के मैं आपको रटवा सकता हूँ, है ना, आराम से रटवा दूँ, मतलब मैं इन द सेंस कोई भी जो आपको सिखा रहा है ना, जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको टीच कर रहा है, वो कराने को तो करा सकता है, लेकिन उससे होगा क्या, वो गाना रट जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, है ना, उसकी जो तासीर है, यानी जो कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो धीमी आँच पर ही सीखती हैं, जो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, तो ये वही चीज़ है कि धीमी आँच वाला काम है संगीत, है ना, इत्मीनान का काम है संगीत, वक्त देना पड़ता है, उसका नाम है संगीत, है ना, थोड़ा टाइम दीजिए फिर देखिए उसमें कैसे खिल के आती है चीज़, वरना करने को तो जल्द से जल्द कितना भी हो सकता है ना, 2 महीने में भी आपको मैं सिखा सकता हूँ, करना ही क्या है, मुझे थ्योरी ही तो समझानी है, करना क्या है ना, संगीत में 7 सुर होते हैं भैया, हैं 4 कोमल लगा दो, 1 तीव्र लगा लो, 12 हो गए, फिर ये लय होती है, ये स्वर होता है, ये सप्तक है, ये रागे हैं, इसमें ये चलन है, वो करने को तो बताने में मैं आपको एक वर्कशॉप लूँ और सब समझा दूँ कि इतना ही है लिमिटेड, है ना, इसके अलावा जो असीमित जिसको कहते हैं ना संगीत, वो असीमित तो कल्पना है, है ना, नॉलेज तो इतनी लिमिटेड ही है, वही सारी 4 बातें हैं जो जानने की हैं, ध्यान रखने की हैं, है ना, बाकी आपका तजर्बा है, बाकी आपका काम है जो आप उसमें करते हो, आपकी कल्पना शक्ति है, आपका उपज अंग है जो असीमित है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, एक राग से सैकड़ों गाने निकल सकते हैं, है ना, तो करने को बताने में बहुत छोटा सा है, लेकिन आप जब उसका अभ्यास करेंगे, जब सीखेंगे तो बहुत बड़ा है, आपको बार बार घिसना पड़ता है उस एक ही अलंकार को, उस एक ही चीज़ को, आपको गुरुजी ने ताने लिख के दे दी, आपने गा ली, उस समय उन्होंने जैसे ही आप गवा रहे थे, वो ये मैं खुद का तजर्बा बता रहा हूँ, उन्होंने गवाई, आपने लिख ली या फिर याद कर ली, आप उसी समय गा के दिखा रहे हैं, है ना, लेकिन अब 4 दिन बाद अगर उसी तान को बिना प्रैक्टिस करें आप कहें कि मैं देखा ही नहीं एक बार भी, और 4 दिन बाद आप तुरंत उठाएं और कहें हाँ ये वैसी की वैसी निकलेगी, मुमकिन ही नहीं है, अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, देखना आपको तब भी ही पड़ेगा, है ना, एक बार बैठ के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो जल्द से जल्द नहीं सीखा जा सकता है, वक्त लगेगा, हाँ लेकिन एक बेनिफिट है जो मैं आपको दे देता हूँ कि थोड़ा रियाज करने के बाद, थोड़ी समझ आने के बाद, थोड़ा वक्त इस फील्ड में बिताने के बाद काम जल्दी होने लगता है, ये ज़रूर हो जाता है कि एक बार जो उन्होंने ताने दिए उसको आपको, एक बिगिनियर को अगर 10 बार याद करना पड़ रहा है तो आपको 2 बार में वो काम हो जाएगा, ये ज़रूर इसकी तासीर है, एक बेनिफिट है, गिफ्ट मिल जाता है, ये गिफ्ट तो क्या आपकी मेहनत का फल है ना कि आप जल्दी काम फिर करने लग जाते हैं, बट ऑफ कोर्स आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना काम करने की, दिमाग की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, तो बस ये जान लीजिए कि जल्दी से जल्दी कुछ नहीं हो सकता है, घिसना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल को, और मैं ऐसे ही टॉपिक्स कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ बातें आप ही के सवाल बताता रहूँगा, शुक्रिया।